आई एम जस्ट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड कि ये हो क्या रहा है यार, ये लोग कोई देखते भी नहीं. आप लोग देखिए पूरा जो है वो आउट ऑफ सर्विस, आप देख सकते हो ये फिलहाल बंद है. वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन. सो गाइस, सबसे पहले अपने सभी दर्शकों को मैं अपने दिल से थैंक यू कहता हूँ कि जो आप जो सपोर्ट आप कर रहे हो और वीडियोस को आप देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, तो मैं अपने दिल से सभी दर्शकों को थैंक यू सो मच. और गए जिन्होंने भी 10th का एग्जाम दिया है और जिन्होंने पास आउट कर गए हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनका परसेंटेज कम आया है तो आप ये सोचिए कि आपके जो नसीब में था उतना ही था. और नेक्स्ट टाइम जो आप 12th में जब जाओगे तब मेहनत कीजिए. और मैं यही कहूंगा उनके पेरेंट्स को कि आप बच्चों को प्रेशराइज मत कीजिए उनको, और आप कहते हैं ना एनकरेज कीजिए कि नहीं, अगर इस बार नहीं हुआ तो आप 12th में ट्राई कीजिए, पर हार मत मानिए. ठीक हो, नेवर गिव अप का जो एटीट्यूड आपको हमेशा रखना है. सो गाइज, उसके साथ ही देख सकते हो कि मॉनसून का जो सीजन है मुंबई में आ गया है, उसके साथ में एक प्रॉब्लम भी आ गया है जिसका नाम है वायु. इट्स अ काइंड ऑफ टॉर्नेडो, जैसे कि ओडिशा में हुआ था कुछ दिनों पहले, जो फानी बोल के जो आया था वैसे मुंबई में आया है. तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऑब्जर्वेशन काइंड ऑफ वीडियो बनाए, बाहर चले, क्योंकि मुंबई अभी हाई अलर्ट में चल रहा है, तो हम भी बाहर निकलते हैं, मेरे भी कुछ काम है वो भी कर लेते हैं, और आसपास के एरिया में देखते हैं कि वायु जो प्रकोप होता है वो कितना पड़ा है. सो चलो बाहर चलते हैं और देखते हैं. फिलहाल तो मैं आ गया हूँ अभी बैंक, और बैंक में मेरा एक काम था, मुझे जो है वो एटीएम का जो पिन है वो सेट करना था. तो फिलहाल अभी चलते हैं, देखते हैं. एटीएम तो फिलहाल बंद है, तो बैंक के अंदर जाके ही हम अपना पिन जो है सेट कराएंगे. तो यूजुअली ऐसा होता है ना, बैंक के अंदर आप कैमरा जो है वो अलाउ नहीं करते, तो हम भी रूल का पालन करेंगे, कैमरा हम ऑफ कर देंगे और जाके पिन विन सेट करा लेते हैं. सो एज यू कैन सी, दिस इज पंजाब नेशनल बैंक एटीएम, और ये आउट ऑफ ऑर्डर है, और मेरा होम ब्रांच जो है यहाँ पर है. सो आई हैव जस्ट वन क्वेश्चन कि यार, गवर्नमेंट जो है वो अपना काम प्रॉपर क्यों नहीं करती है? आपका ब्रांच का, होम ब्रांच का जो एटीएम है वो भी बंद है. अब मैं आया था यहाँ पर एटीएम का जो है कार्ड को रीसेट कराने, फर्स्ट टाइम एक्टिवेट करने पर, अभी मुझे यहाँ से फिर से मुझे अलग जो एटीएम है पंजाब नेशनल बैंक के, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा. गवर्नमेंट यार, ये बात पे ध्यान दो, इनको फोर्स करो कि अपना काम प्रॉपर टाइम पे करे, कुछ भी अगर प्रॉब्लम है उसे ठीक करे. यार कस्टमर्स लोगों का हैरेसमेंट करना जो है वो कम कर दो, अपना काम प्रॉपर करो. आप लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हो कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बट व्हेन इट कम्स टू योर वर्क आप लोग हमेशा हाथ ऊपर कर लेते हो. तो जो भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या गवर्नमेंट अथॉरिटीज जो भी है, तो इस बात पर जरा ध्यान दो यार. सो गाइस, दिस ब्रांच इज आउट ऑफ ऑर्डर. फिलहाल अभी हम अमरनाथ के स्टेशन के ब्रांच में खड़े, ये भी आउट ऑफ ऑर्डर है. तो मुझे जस्ट ये एकदम मतलब अजीब सा लगता है ना कि हर एक नेशनलाइज बैंक, अभी मुझे जो है ओटीपी जो है फर्स्ट एटीएम कार्ड का ओटीपी को जनरेट करना है, और पीएनबी का जो कहते हैं ना हम लोग क्राइटेरिया है, जो आपको पीएनबी के ही ब्रांच में आके आपको सेट करना है. सो आई केम ऑल द वे फ्रॉम उल्लासनगर, मैंने दो एटीएम मैंने चेक किया, दोनों एटीएम का जो पीएनबी का जो ब्रांच है, आप ये देख सकते हो, ये पीएनबी का ये है, ये ब्रांच जो है फिलहाल अभी बंद है. तो आई एम जस्ट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड कि ये हो क्या रहा है यार, ये लोग कोई देखते भी नहीं. आप लोग देखिए पूरा जो है वो आउट ऑफ सर्विस, आप देख सकते हो ये फिलहाल बंद है. तो फिलहाल अब करें तो करें क्या, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या गवर्नमेंट ऑफिशियल जो भी है, या आरबीआई की तरफ से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कि प्लीज़ आप इस पर एक जस्ट टेक सम काइंड ऑफ एक्शन अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ थिंग.
अल्टीमेटली आप लोग पब्लिक को हरेस कर रहे हो, और सेकंड ऑफ ऑल मैं जब एक आम कंज्यूमर जो हूँ, मुझे तो ऐसा फील होता है कि यार नहीं, इससे अच्छा है कि मैं बेहतर कि मैं आऊँ ही नहीं, बेटर आई गो फॉर काइंड ऑफ प्राइवेट बैंक जो है, मैं वहाँ पर जाऊँ, नेशनल बैंक की तरफ मैं जाऊँ ही नहीं। तो यार ये बात पर आप ध्यान दो और थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर थोड़ा ध्यान दे के यार कुछ करो। यार आज वीडियो बनाने गए थे कुछ और बन गया कुछ, तो पर्सनली मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा बस एक ही क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट जो है उसे अपना काम जो है वो ठीक से करना चाहिए। अगर आप देख रहे हो कि ब्रांच का जो एटीएम है वो भी बंद है, प्लस अदर एटीएम्स भी बंद है, अल्टीमेटली ये जो है क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर कंज्यूमर कस्टमर, क्योंकि मुझे ऐसा पर्सनली मुझे ऐसा लगा ना कि नेशनल बैंक में अगर इतना तकलीफ है तो इससे बेहतर है कि मैं जो प्राइवेट बैंक से मैं वहाँ पर जाके ही अपना जो बैंक का अकाउंट ओपन करूँ, वहाँ से मैं ट्रांजेक्शन करूँ। यार इस बात पे थोड़ा ध्यान दूँ, जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल देख रहे हैं, जो भी आरबीआई के जो भी मेंबर रहेंगे वो देख रहे हैं, तो यार इस बात पे ज़रा ध्यान दो, क्योंकि हम लोग ऐसे कहते हैं ना इन एवरी सर्विस सेक्टर, हम कहते हैं कि कस्टमर इज गॉड, कस्टमर इज किंग, तो यार कस्टमर का थोड़ा तो कदर करो आप लोग यार। सो फाइनली अभी मैं आ गया हूँ घर, और अदर एटीएम में मैंने जाके अपना कार्ड को एक्टिवेट करा लिया। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर प्रॉब्लम्स को लेकर ही हमारे वीडियो का स्टार्ट हो चुकी है जिसमें हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो क्यों ना कुछ और प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करें जो प्रॉब्लम आज के तारीख में हर एक बच्चा फेस कर रहा है। जैसे कि उसका 10th का रिजल्ट है, परसेंटेज कम आ जाते हैं, माँ बाप लोग जो है काइंड ऑफ उसे एक्सपेक्टेशन जो है वो आप उस पर अप टू द मार्क नहीं उतरे, उसका एक प्रेशर आता है, तो उसका भी एक प्रॉब्लम है, तो जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। यूजुअली ऐसा होता है कि एक पर्सन जो 10th का एग्जाम देता है या एनी अदर बोर्ड एग्जाम में वो दे रहा है, तो जब उसका रिजल्ट आता है वो बंदा एक्सपेक्टेशन करता है कि उसने इतने इतना परसेंटेज वो मारेगा या उसका एग्जाम वैसे गया है, बट अनफॉर्चुनेटली एंड ऑफ द डे जब रिजल्ट आता है तो वो देखता है कि परसेंटेज 2-4-5-6% से वो कम हो जाता है। तो अल्टीमेटली उसके जो पेरेंट्स होते हैं उनका भी एक्सपेक्टेशन जो है वो डाउन हो जाता है, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि बच्चा जो है वो जो सर्टन क्राइटेरिया उसने रखा था, उन्होंने जो रखा था उसमें वो परसेंटेज आएगा, बट वो नहीं आता। इंस्टेड ऑफ रिजॉइसिंग दैट कि चलो यार जो भी है उसने उतना तो मेहनत किया, साल भर मेहनत करने के बाद उसने वो परसेंटेज मारा, बट पेरेंट्स को कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं और अच्छा करना चाहिए था। चलो उनका भी ठीक है क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं, अपने लाइफ का इतना जो इम्पोर्टेंट टाइम या अपना पैसा एनर्जी सब बच्चों पर लगा रहे हैं, तो मुझे लगता है बच्चों को भी मेहनत करना चाहिए और जो है मेहनत करके वो टारगेट जो है अचीव करना चाहिए। एट द सेम टाइम पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि हम अपने बच्चों को कितना फोर्स करें, जितना वो ला रहा है शायद उसकी उतनी ही कैपेसिटी है, हम उससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का खुद का एक जो हम कहते हैं ना कैपेसिटी होता है, जो इंडिविजुअल कैपेसिटी जिसमें वो उतना जो है अपना कैपेसिटी के हिसाब से ही वो परसेंटेज लाएगा। तो मैं पेरेंट्स लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, आप अपने बच्चों को एनकरेज कीजिए कि नहीं चलो इस बार नहीं हुआ ना, नेक्स्ट टाइम आप कोशिश कीजिए, नेक्स्ट टाइम आप अच्छे से मेहनत कीजिए, आप देखिए कि आपने जो इस बार अगर आपका कम परसेंटेज आया तो उसका रीजन क्या था, उसे रेक्टिफाई कीजिए, और जो कमिंग ईयर जब आप नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम दोगे उसमें आप अव्वल आइए। तो पेरेंट्स लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है, हर एक पेरेंट्स से, कि प्लीज अपने बच्चे को आप उतना प्रेशर नहीं कीजिए, और बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप पेरेंट्स के बातों को मानिए, अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और स्टडीज जो है प्रॉपर कीजिए और एक सर्टन लेवल पे आप पहुंचिए। वीडियो खत्म करने से पहले यही मैं कहूंगा कि देखो प्रॉब्लम्स तो लाइफ में आएंगे, चैलेंजेस तो आएंगे, कभी ऐसा हो सकता है कि चैलेंजेस को आप अप टू द मार्क नहीं पहुंच पाए, आप मेहनत कर रहे हो फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उस टाइम पे अपने आप को आपको यही सोच के सेटिस्फाई करना है कि शायद मेरे नसीब में उतना ही लिखा था जो मुझे मिला, बट नेक्स्ट टाइम के लिए मैं मेहनत करूंगा, करके मैं अच्छा कोशिश करूंगा। और ये तो हुआ बच्चों के लिए, ये नसीहत बच्चों के लिए था और पेरेंट्स लोगों के लिए था कि प्रेशर मत कीजिए अपने बच्चों को, ठीक है। दूसरी बात है, आज जो हमारा वीडियो था, आज वीडियो में हम करने गए थे कुछ और हो गया कुछ, एक्चुअल हम गए थे देखने के लिए जो वायु का जो प्रकोप है, बट अभी तक उतना प्रेशर जो है अभी तक आया नहीं है, और जैसे ही कुछ अपडेट मिलता है या कुछ अगर मुंबई में काफ़ी ज़्यादा उस किस्म का मुझे इफेक्ट देखने मिलता है तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर एक वीडियो में ज़रूर बनाऊँगा। और
इसके बाद जो आज बैंक्स का जो हम लोगों ने देखा, तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफिशियल से, या बैंक हो गए, आरबीआई हो गया, तो आप इस बारे में कुछ तो सोचिए सर, कुछ तो सोचिए। आप देख रहे हो कि मैंने वीडियो में आप लोगों को दिखाया कि क्या प्रॉब्लम एक इंडिविजुअल फेस कर रहा है, क्योंकि अगर आप जब बैंक में अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि हम एज ए कंज्यूमर, एज ए कस्टमर जब आप जाते हो और आप हमसे एक्सपेक्ट करते हो जो भी डॉक्यूमेंटेशन, अगर एक भी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को प्रॉपर नहीं मिलता तो आप राइट अवे कह देते हो कि नहीं ये हमें लगेगा आप लाके दीजिए, आपकी खुद की गलती है, आप लोग खुद काम करते नहीं हो कभी ऑन द टाइम, फिर भी आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हो, ठीक है। पर आपका जब खुद का काम होता है, जब हम एज ए कस्टमर जो एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे कि आज मैंने देखा कि मुझे ATM का पिन जो है जनरेट करना था, और आप लोगों का ऐसा पॉलिसी कि आपके ही ATM में जाकर जनरेट करना है, और आप लोगों का होम ब्रांच रह के भी आप लोगों का होम ब्रांच के ATM ही बंद है, और पिछले 4 दिन से वो ATM का ब्रांच बंद है, पर आप लोग कोई केयर ही नहीं करो, ना आप लोग देख रहे हो। दूसरा बात ये होता है कि गवर्नमेंट को ये खुद को रियलाइज़ करना चाहिए कि आप लोग जो भी काम कर रहे हो वो प्रॉपर कीजिए ना। अगर आप हमसे एक्सपेक्ट करते हो कि हम प्रॉपर अपना KYC जो भी आप लोगों का बैंक रिलेटेड जो चीज़ होता है वो आप एक्सपेक्ट करते हो हमसे, तो हम लोग भी तो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपसे कि आप भी हमारा काम प्रॉपरली कीजिए। तो यही मुझे कहना था कि यार ये सब जो प्रॉब्लम था मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था, मुझे बताना था। इसके अलावा भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है जो पास्ट मैंने 2-3 डेज से मैं फेस कर रहा हूँ बैंक की तरफ से, तो वो किसी और वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताऊँगा। और इसके नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और आप लोगों के साथ में कुछ इंसिडेंट शेयर करूँगा, या गवर्नमेंट पॉलिसीज जो बता रहे हैं आजकल जो बहुत ही सोशल मीडिया में या व्हाट्सएप वगैरह पे आते हैं उसका भी हम खुलासा करेंगे। So, if you like this video, don't forget to hit the like button. Do share this video with your friends, ताकि उनको भी पता चले कि exactly क्या scenario चल रहा है हमारे देश में, ठीक है। और जो भी हमारे चैनल में आज first time visit किया है, जिन्होंने देखते देखते thumbnail पे क्लिक कर लिया, तो please आज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके ही जाइए, और उसके पास में बेल आइकन उसे भी दबा दीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो ऑन दैट नोट इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। एज ऑलवेज बी हैप्पी एंड टेक केयर। टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस इज ट्रेंडसेटर रणबीर।